Assalamualaikum, Namaste ji, So Sri Akal, Welcome back to the another video. I hope you all are doing great. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया. So दोस्तों, आज हम बागेश्वर धाम की वीडियो देखने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट सजेस्टेड वीडियो है. और ये वीडियो की सजेशन आई थी हमें इंस्टाग्राम पर. सो थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन फ्रेंड्स. लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं. वीडियो का टाइटल है, मुस्लिम लड़की बागेश्वर धाम में आई है और उन्होंने सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है. तो भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे. जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को. सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो. और ये सहज बस ही सनातन धर्म की भाव को देखकर, और सनातन धर्म को कितने महीने से आप देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, जरा माइक तेज करो. तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? जी, बांग्लादेश से आई है. आप रो मत, आप चुप हो जाओ, आप रो मत. नाम में इतना सुकून मिलता है कि मेरे को इतना बरसों से इतना सुकून नहीं मिलता. इसी धर्म में सनातन, हम आपसे भी कहेंगे कि अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप अपना मजहब बदलो. आप क्या चाहते हैं? भाई बनाऊं किसी दबाव में, किसी के कहने पर. मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ. किसी ने बुलाया तो नहीं? तो आप काय पे देखती थी हमें बहन? मोबाइल पर देखती थी. तो आपको हिंदी बराबर आता है? वहाँ हिंदी चलता है? ठाकुर जी, आपने यहाँ वो दिखाया, आपका वीजा ईजा? किसको? पुलिस प्रशासन? आपने वीजा दिखाया? ओके. अगर आप चाहो तो ना भी आप बदलो. आप चाहती हैं कि सनातन धर्म स्वीकार कर, लेकिन एक दिक्कत हमको आ रही है, जैसे आपका, आपके मजहब के लोग पीछे लग जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उसका क्या उपाय? अगर आप हमसे पूछो तो यही उपाय है कि टीवी पे ना आप स्वीकार करके. टीवी पे ना, क्योंकि हमारे बाप माँ को दिक्कत होगा, क्योंकि बंगला का वो बहुत खतरनाक है. ओके, टीवी पे ना करो तो अच्छा होगा, लेकिन हम अपनाना चाहते हैं. ठीक है, हम आपको कथा के बाद बहन मिलते हैं. मंत्री जी, आप मिलवाइए बहन को कथा के बाद. न्यूज से प्रार्थना है कि बिलर करके आप न्यूज चलाएंगे, और अपने चैनल पर भी हमारा कहना है, ताकि अपना काम हो जाए, बहन को कोई दिक्कत ना जाए. आपके हाथ से वालों को भी हमारी प्रार्थना है, और आपको भी, हमारे चैनल वालों को भी हमारी प्रार्थना तो है कि आप तो प्यार से करते हैं, ताकि किसी को. आपका स्वागत है बहन. तो आपके हाथ से चंदन लगाना, आपका हाथ से चंदन लगाने के लिए भाई मैं इधर आई हूं. अपना तो उनको प्रोटेक्ट कर रही है कि तुम फेस नहीं दिखाओ. बिल्कुल, भाई है आपकी जिंदगी भर. कौन कौन है आपके घर में बहन? ऐसे मुंह कर लो, थोड़ा सा ऐसे मुंह कर, किस तरफ मुंह कर लो. भाई है, भाई है. भाई क्या करते हैं, क्या नाम है भाई का? बस कासिम. अच्छा अच्छा, वो क्या करते हैं? ओके, आप भारत बाया प्लेन आई? जैसे पाकिस्तान में. अच्छा, ट्रेन बस. अकेला? अकेला मतलब अकेले, कोई नहीं आया? वहाँ सनातन धर्म को मानते हैं लोग? नहीं, 1% वहाँ हिंदू. आप कितने दिन से देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर हमको? माइक आप नज़दीक कर सकते हैं. 6-7 महीने. 6-7 महीने से आप यूट्यूब पर देख रहे हैं. तो आपने ऐसा क्या समझा और ऐसा क्या माना कि सनातन धर्म में हमें जाना चाहिए? हम जब आपका देखती थी ना, नजदीक कर लो भाई, हाँ, आपका वीडियो देखती थी, तब तो हमको लगता था कि अच्छा है, वो अच्छा लगती थी. तब बाद में हम राम नाम जब से जब करना शुरू किया, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं सकती. ओह, मैं रोज राम नाम का जप करती हूँ बहुत. हमारे वीजा भी हो नहीं हो रही थी, मेरे वीजा
मेरा वीज़ा नहीं हो रही थी, 2 दिन गया नहीं हुआ। बाद में जब मैंने बोला गुरु जी आप मुझे नहीं बुला रहे हो तो मैं नहीं जाऊँगी, आज आपको नहीं देखूँगी मैं नहीं। सुबह मैंने बाहर गया, एक बानर का दर्शन हो गया, वो मुझे ऐसे देख रही थी क्योंकि कितना वर्षों का परिचय है हमारा, तभी वीज़ा हो गया मेरी। अब जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते कि आप उपद्रव कर रहे हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारी सिर्फ राम नाम की भूमिका है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना हम धर्मांतरण पर भरोसा करते हैं, लेकिन घर वापसी पर हमारा भरोसा है। और इस बहन के लिए हम न्यूज वालों को हाथ जोड़कर, आप हमारे अपने हैं, हमारी प्रार्थना है किसी का अहित ना हो। अभी भी हम बहन को यही कहते हैं कि आपको अपना मजहब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उस जगह पर रह करके हमारे सनातन धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, हमको अपनाना है। लेकिन अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप बिल्कुल बेझिझक अपना सकते हैं, और तुरंत YouTube वालों से कहेंगे कि आपने YouTube पर बहन का फोटो दिखाया है, इसको तुरंत लॉक कर दिया जाए, वायरल होने के पहले इसको लॉक कर दिया जाए, तुरंत उसको प्राइवेसी कर दीजिएगा ताकि हमारी बहन का फोटो ना जाए। हम आपको मंच पर इसलिए बुलाए कि कल के दिन कोई दिक्कत ना हो, सबके सामने हो, इसलिए हमने आपको मंच पर बहन बुलाया है। अच्छा, क्राउड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत आए हुए हैं। स्वागत है आपका मेरी बहना, आप बेझिझक बैठो, फिर हम आपको दरबार के बाद मिलते हैं। हमने बुलाया मंच पर इसलिए, बोलो। हम पूरा जिंदगी, हमको कथा सुनना अच्छा लगता है, भजन सुनना अच्छा लगता है, सब कोई हमारे काम हो जाए जैसे कि जिंदगी भर हम कथा सुन पाए। ठीक बहन, जाओ, आपका पूरा मंगल होगा, और जब भी मन किया करे ना आप आ जाया करो, अब तो मैं रोक नहीं सकते हैं कोई, चिंता मत करो। हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, जैसे उन्होंने अभी बीजा में लीला की ना, वो आपको सदा बुलाते रहे। सदा हमको भजन सुनना है, कथा सुनना। बिल्कुल मेरी बहना, स्वागत स्वागत। आप यहीं से वहाँ बैठ जाओ, इनकी फोटो पर पुलिस वालों से प्रार्थना है रोक लगवा दी जाए, यहाँ से जा जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। और एक और है, हमारे नानो कावरे जी ने कहा है कि अब ये बिटिया इनकी सुरक्षा में रहेगी मंत्री जी के, ताकि इसको कोई दिक्कत ना। हाँ, और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में रहेगी, बैठार दो यही जी में ही बैठार दो, आगे कथा में ही बैठार दो। आपसे हमारी जो भारत के लोग देखेंगे YouTube या न्यूज वाले, हमारी करबद्ध प्रार्थना ये है, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी को बहकाते नहीं हैं, कोई प्रेम पूर्वक आता है तब भी हम उसको कहते हैं कि आपको अपने मजहब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सनातन धर्म के गुणों को आप स्वीकार कर सकते हो। लेकिन कोई अगर प्रेम पूर्वक आता है तो हम भगा नहीं सकते धर्म गुरु के नाते, अगर हम इन्हें नहीं बुलाते तो एक नई आफत होती कि बताओ कैसे धर्माचार्य हैं, हमें स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम मुसलमान थे। लेकिन भारत के हिंदुओं के लिए यह गौरव का विषय है कि आपके भारत में बागेश्वर धाम एक ऐसी संपत्ति है, आप हमें 5 साल दीजिएगा सब हरी हरी होगा। लेकिन अभी भी बात ये पूरी नहीं हुई, बहुत सी विरोधी ताकतें, यही कथा में विरोधी ताकतें लग गई थी, हाई कोर्ट तक के गए थे, हाई कोर्ट में भी उन्होंने जाकर के पिटीशन दायर की, बहुत विरोध कर रहे हैं, हम किसी के विरोधी नहीं है, और अब तो कुछ इसलिए विरोध कर रहे हैं नाम फेमस के चक्कर में, नाम फेमस करने के चक्कर में विरोध करते हैं। हमारी प्रार्थना है ऐसे विरोधियों को कोई जवाब नहीं देना है, मौन रह करके अपना काम करना है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हमारी तरफ से सबका मंगल हो, किसी भी मजहब का बुरा ना हो, लेकिन सनातन धर्म की जय हो। और इस बहन की न्यूज वालों से प्रार्थना है कि इस बहन की फोटो ना दिखावें, ब्लर करके आप दिखाइएगा, न्यूज वालों से प्रार्थना है कि इस बहन की फोटो ना दिखावे। करवा दिया प्राइवेसी दरबार को, करवा दिया ना, ठीक है, अब उतना हिस्सा कटवा दीजिएगा, और कटवा करके इसको रिपीट करके चालू कर दीजिएगा, अथवा वहां ब्लर कर दीजिएगा जहां बहन का फोटो दिखाए, क्योंकि हम देख रहे थे कि ब्लर फोटो दिखा दिया आपने पहले,
स्टार्टिंग हो गया है, तो अब आप वहाँ बिलर कर दीजिए और इसी दरबार को कल सुबह 10 बजे पुनः चला दीजिए। दरबार आगे शुरू फिर। हाँ, वैसे हमें लगता है बालाघाट का दरबार सक्सेसफुल हो गया है। जय तुल्या भवानी की जी। ठीक है, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा, पूछिए क्या बात। घर में परेशानी रहती है और पति की भी तबीयत से। क्या हो गया है? परेशानी तो सबको रहती है, हो क्या गया है? उनके शरीर में भी दर्द है, अब मेरे को भी। तो भाई यहाँ पे तो उल्टी कहानी चल रही है। हमने तो सुना था कि जो है लोग बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं वो तो लोगों को जबरदस्ती लेकर आ जाते हैं और जबरदस्ती लोगों से करवा रहे हैं। यहाँ पर तो अलग ही लड़की, भाई जबरदस्ती तो लड़की कर रही है, कह रही है नहीं मैंने तो बांग्लादेश से आई हूँ और मुझे जो है सनातन धर्म को एक्सेप्ट करना है, मुझे अच्छा लगता है राम जी का नाम जप करते हुए और मैं डेली रात को जो है वो राम जी का नाम जो है वो जपती हूँ। मतलब कि बागेश्वर धाम की इतनी वैल्यू है और जो है उनको वो बांग्लादेश से यहाँ पर आई है। और बाबा की मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने आप को फेमस करने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए उस लड़की का फेस रिवील नहीं किया, उसको एक प्रोटेक्शन दी है और वैसे ही रिस्पेक्ट दी और प्रोटेक्शन दी जैसे अपनी फैमिली को दी जाती है। और उन्होंने बार बार ये बात बोली कि भाई अगर नहीं ये जबरदस्ती तो नहीं करा रहे और अगर आप अपने धर्म में अपने मजहब में रहकर भी आप कर सकते हो। उन्होंने कहा नहीं मुझे छोड़ना है। तो हालांकि हम देखें तो बांग्लादेश में वहाँ पर मुस्लिम्स, जैसे उन्होंने बताया 99% जो है वो मुस्लिम्स हैं और 1% हिंदू है। तो वहाँ पर अभी हमने देखा भी था कि मोदी जी जब लास्ट टाइम गए थे उनकी कोई डे था, बिग डे था, इंडिपेंडेंस डे, तो उस पर वो गए थे तो वहाँ पर काफ़ी हालात भी हमने देखे थे कि ख़राब हुए थे। तो उस दौरान मैंने बहुत सारा ये भी नोट चीज़ें की थी। एनीवेज ओवरऑल अच्छा लगा वीडियो वॉच करके और बाबा की जो बातें सुनी और स्पेशली वो लड़की को जिस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सबको कहा कि भाई आप जो है ना बंद लॉक कर दो, मतलब प्राइवेट कर दो वीडियोज अगर किसी ने अपलोड कर दी हैं और कोई फेस रिवील ना करे। इवन दो कि उनका फेस वाकई में हाइड किया हुआ था, किसी ने सामने नहीं रखा, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो बाकी ओवरऑल आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जिस तरह से बाबा इतना प्योर से बात करते हैं, इतना रिस्पेक्ट से बात करते हैं और इतना भोलेपन से बात करते हैं, शायद इसी वजह से लोग जो है वो बाबा के पास बहुत 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 ज़्यादा आते हैं। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।